मैं हूं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा और आज हम बात करेंगे राग भीमपलासी की। तो भीमपलासी के बारे में हम आगे बात करें और इसकी एक तीन ताल में बंदिश देखें, उससे पहले हम भीमपलासी का परिचय देख लेते हैं, पूरा राग में क्या क्या आता है, कैसे आता है। तो चलिए पहले देखते हैं भीमपलासी राग का पूरा परिचय। मस वादी संवादिते आरोहन रिध त्याग, मस वादी संवादिते आरोहन रिध त्याग, गनी के कोमल स्वर लिए भीमपलासी राग। दूसरा भी एक श्लोक है, जब काफी के मेल में आरोहन रिध त्याग, तृतीय पहर दिन गनी कोमल मानत मस संवाद। तो ये श्लोक में से, ये दोहा में से ही पता चल जाता है कि राग में कौन से स्वर लगते हैं। ये काफी थाट जन्य राग है, यानी कि ग और नी दोनों कोमल लगते हैं। इसकी जाति ओडव संपूर्ण है, यानी आरोह में दो स्वर वर्जित है और वो है रे और द, निशा गम पनीसा रे और द वर्जित है, और अवरोह में सारे स्वर लगेंगे सानी द पमकरे सा। एक विशेषता और है, इसमें ग और नी दोनों कोमल लगेंगे आरोह में और अवरोह में दोनों में। इसका गाने का समय है दिन का तीसरा प्रहर। इसके न्यास के स्वर है सा कोमल ग म और प। इससे मिलता जुलता जो राग है वो है बागेश्री, और इसकी प्रकृति गंभीर एवं श्रृंगार रस की है। इसका वादी म है यानी, और संवादी सा है यानी, ये उत्तरांग वादी राग होना चाहिए, लेकिन ये राग पूर्वांग वादी है, और इसका गाने का समय भी दिन के पूर्वांग में यानी दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच में यानी दिन के तीसरे प्रहर में है। मतलब ये वादी का स्वर और गाने का समय का जो नियम है उसमें ये राग एक अपवाद है। इस राग में सा म और प ग की संगति बार बार ली जाती है। देखते हैं इसके आरोह अवरोह पहले। जो प ग की संगति लेते हैं उसमें म का स्पर्श लेते हैं, प ग ऐसे नहीं, प ग म के स्पर्श से लेते हैं, प ग म ग रे सा। भीमपलासी के स्वर क्या है और बागेशी के स्वर क्या है, थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए, ये बहुत मिलते जुलते राग है। पहले भीमपलासी देखिए भागे चलिए। बागेश्री में और भीमपलासी में। अब हम इस बंदिश की एक एक लाइन नोटेशन के साथ देखें, इससे पहले पूरी बंदिश एक बार सुन लेते हैं।
मैं बजाऊंगा ई बेज की फ्लूट में सफ़ेद त्रिन वाइट थ्री और तबला तीन ताल में 140 BPM की स्पीड में, बाद में 160 BPM की स्पीड में। पहले सुन लेते हैं, बाद में मैं इसकी एक एक लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। तो सुनिए, राग भीमपलासी की ये तीन ताल की बंदिश। जा जा रे अपने मंदिरवा, Oh,
अभी हमने सुनी ये बंदिश राग भीम पलासी, ताल तीन ताल, स्पीड 140 एंड बाद में 168 एंड 180 BPM की स्पीड, स्वर काली स्वर सफ़ेद तीन में सुना, लेकिन अभी मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगा वो काली पाँच यानी ए शार्प में करूँगा। तो चलिए उसकी पहली लाइन, इसकी जो लाइन है पहली लाइन सातवीं मात्रा से शुरू होती है, मतलब दा दिन दिन दा दा दिन, फिर सातवीं मात्रा से शुरू होती है। जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा, पग रे सा रे नी सा मम मग, पग रे सा रे नी सा मम मग, जा रे जा, उसमें थोड़ा वेरिएशन भी ले सकते हैं, जा जा रे अपने मन, जा जा पमनी पग पमनी पग रे सा रे नी सा म म मग। पमनि पग रे सा रे नी सा म म मग, जा जा रे अपने मंदिरवा, प्लेन भी ले सकते हैं, जा जा रे पग रे सा रे नी सा म म मग। दूसरी लाइन, सुन पावेगी सास ननंदिया, जा जा रे अपने मंदिरवा, सुन पावेगी गम पनी सागरे सा सारे नी सा प ग म नी प ग रे सा रे नी सा म म म ग। अंतरा नौवीं मात्रा से यानी खाली से शुरू होता है। सुन हो सदा रंग तुमको चाहत है, सुन हो सदा रंग तुमको चाहत है, प प प प प मनी प ग म प प नी प नी सा सा, प प प प पमनी पगम पपनी पनी सा सा, क्या तुम हमको बचन दिया पनी सागर सनिद पमनी पग, क्या तुम हमको बचन दिया। पनी सागर सा नी द प पमनी पग, क्या तुम हमको बचन दिया। बचन दिया बचन दिया, जा जा रे अपने मंदिर।
पमनी पग पनी सागर सानी दप पमनी पग क्या तुम हम को बचन दिया जा जा रे अपने मंदिरवा जा जा रे अपने मंदिर। तो ये हो गई पूरी बंदिश। अब कुछ दो चार तान भी देख लेते हैं आपको अगर बजानी है तो। मुखड़ा लेने के बाद सम से ये तान लेनी है आठ मात्रा की और बाकी का जो मुखड़ा है वो आठ मात्रा में समापन करना है। वैसे मुखड़ा दस मात्रा का है लेकिन आठ मात्रा में ले लेंगे। देखिए कैसे जा जा रे अपने निजा निजा गा रे जा निजा निजा गा मा पा जा जा रे अप जो जा जा रे वो लेते थे लंबा लेंथ में उसको शॉर्ट करना है। जा जा रे अपने निजा निजा गा रे जा निजा निजा गा मा पा जा जा रे अपने निजा गा मा पा पा वा पा पा नी धवा मा गा रे सा जा जा रे अपने निजा गा मा पा नी सा नी धवा मा गा रे सा नी सा जा जा रे अपने। जा जा रे अपने मंदिरवा जा जा रे अपने गवा पग नी धवा मगरे सा जा जा रे अपने गवा पनी सागरे सा नी धवा मगरे सा जा जा रे अपने पनी सा पनी सा नी धवा मगरे सा जा जा रे अपने सा ग सा ग म ग म प नि ध ब म ग रे सा ग म प ग म प नि सा नि ध ब म ग प नि सा प नि सा नि ध ब म ग रे सा नि सा ग म प म ग रे सा नि सा ग म प म ग रे सा नि सा ग म प म ग रे सा सा जा जा रे अपने मंदिरवा। तो ये हो गई कुछ ताने। आप और भी कुछ ताने खुद बनाकर या कहीं और से मिल जाए तो लिख के तैयार कर सकते हैं। तो ये राग भीमपलासी की बंदिश आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अब राग भीमपलासी में ही एक फिल्मी गाना भी ले लेते हैं आपके सामने। मैं पेश कर रहा हूँ एक फिल्मी गाना, फिल्म मेरा साया नैनों में बदरा छाए, राग भीमपलासी ही है, ताल कहरवा और स्पीड है 210 BPM और ये स्केल लिया है मैंने काली एक शीशा। सुनिए